हेलो टू ऑल, वेलकम टू स्टडी हब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यूज ऑन टॉपिक पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इससे पहले हमने एमसीक्यूज कवर किए थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ही टॉपिक आईएनसी पे, उससे पहले हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे भी एमसीक्यूज लाए हैं, और इसी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ जो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी पे एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। इसके अलावा हमने कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट की है, उसके अलावा साइंस की। तो जो भी जेकेएसएसपी के एग्ज़ाम के अंडर टॉपिक हैं, कंपोनेंट हैं, उनमें ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है वहाँ पर सभी जो भी इम्पोर्टेंट सेशंस रहे आईएनसी के वो हमने अलग से कवर किए हैं, वो भी आप ज़रूर देख लेना। तो आईएनसी का जो 1909 वाला लाहौर सेशन था वो किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था? ऑप्शंस हमारे पास हैं, दादा भाई नारोजी, राज बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय एंड बिशन नारायण दार। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, MMM, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने प्रिजाइड किया था 1909 वाला लाहौर सेशन। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ऑप्शन हमारे पास हैं 1859, 1858, 1856 एंड 1857। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो सबसे पहले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पर हुई थी, इस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे, तो वो सीधे सीधे लिखा है कि लॉर्ड कर्जन थे। इन्होंने ऑर्डर किया पार्टीशन ऑफ बंगाल का। बंगाल की पार्टीशन किस तरह से हुई? वेस्ट बंगाल, ओडिशा और जो बिहार था वहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थी। ये आपको हमारे लेक्चर्स में डिटेल में चीज़ें दिखेंगी और आपको इजीली चीज़ें याद भी हो जाएंगी, एक बार आप ज़रूर देख लेना। और ईस्ट बंगाल प्लस असम, जिसकी कैपिटल ढाका थी, यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लॉर्ड कर्जन ने ऑर्डर किया, ये कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1905, 1930, 1945, 1915। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड। हमने अभी जो क्वेश्चन किया उससे आपको इतना तो समझ आ गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। ऑप्शंस क्या हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेटिंग अप ऑफ दुरंग कमीशन, भूटान वॉर, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम टू बजट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट started in India during anti-Bengal partition agitation। पूछा क्या है? जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की, कि स्वदेशी जो चीज़ें हैं उन्हें ही यूज़ करना है, वो स्टार्ट हुई इंडिया में कब स्टार्ट हुई? जब anti-Bengal partition agitation चल रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है, द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1919 to 1922, द चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंटी बंगाल एजिटेशन, पार्टीशन एजिटेशन, जब बंगाल की पार्टीशन की एंटी अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे, तब जो है ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। अगर आप चीज़ों को स्टोरी की तरह देखेंगे, हमारे चैनल पर अच्छे से समझाया गया है, तो आपको ज़रूर अच्छे से ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स
डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन? इंडिया कब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो है वो आ चुका था? ऑप्शंस हमारे पास हैं 1868, 1888, 1878 एंड 1858। करेक्ट ऑप्शन है 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919? अब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मेन जो इंसिडेंट था, जलियांवाला बाग, ट्रेजेडी प्लेस, माउंटिंग कैम्सफोर्ड, रिफॉर्म वॉज अनाउंस्ड, नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस एंड लास्ट ऑप्शन इज रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। तो यहाँ पे पूछा है नॉट अकर इन 1919, तो अभी हमने पढ़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905। तो करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हेल्ड इन, अब तो हमने काफ़ी बार ये चीज़ें जो है वो पढ़ ली हैं, 1901, 1903, 1905 एंड 1904। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? वाइसराय कौन था जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लैंसडन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई वो 1905 में हुई, उसके इसी ईयर जो है वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये भी 1905 में स्टार्ट हुई, तो इस वक्त भी वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? ऑप्शंस हमारे पास हैं अरबिंदो घोष, एम के गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इज नॉट द चीफ आर्किटेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेट अप स्वदेश बंधा समिति टू प्रोपेगेट द स्वदेशी मूवमेंट? तो स्वदेशी एंड बायकॉट जो मूवमेंट थी वहाँ पे जो जिन्होंने लेड किया था इस मूवमेंट को वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम सामने आते हैं, लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ठीक है, इन्होंने एक्सटेंड की ये मूवमेंट रेस्ट ऑफ द कंट्री में। स्टार्ट ये हुई थी बंगाल से। ऑप्शंस हमारे पास हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जी के गोखले एंड अश्विनी कुमार दत्त। तो इनमें से कौन से हैं जिन्होंने सेटअप की थी स्वदेश बंधव समिति स्वदेशी मूवमेंट को प्रोपेगेट करने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्त। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? ऑप्शंस हैं दादा भाई नारोजी, ए ओ ह्यूम, एम के गांधी एंड बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट ऑप्शन है दादा भाई नारोजी। इस वक्त प्रिजाइड करने वाले आईएनसी को थे दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फाउंडर ऑफ द अनुशीलन समिति इन कलकत्ता ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? ऑप्शंस हैं प्रमोथा मित्र, बरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो थे ये फाउंडर थे अनुशीलन समिति के कलकत्ता में जो फाउंड हुई। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड इशूड एन ऑर्डर ऑफ डाइविंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट्स इन July 20, 1905। लॉर्ड लिटन, ऑप्शंस हैं
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलिंगटन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया है कि किन्होंने ऑर्डर किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का इंटू टू पार्ट्स। नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इन्यूल्ड ऑन, ऑप्शंस हैं 11th December 1911, 12th December 1911, 13th December 1912 एंड 14th December 1912। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 12th December 1911। और उस वक्त जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी विच वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शंस हैं कैलकाता, हैदराबाद, लाहौर एंड ढाका। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैदराबाद। सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजिटेशन जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट हो रहा था वो था कैलकाता, हैदराबाद सॉरी। विच हिंदू लीडर स्टार्टेड अ मूवमेंट एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, नन ऑफ द बव। करेक्ट ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने स्टार्ट किया था मूवमेंट को अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है हिंदू स्टार्टेड स्वदेशी मूवमेंट इन सेवेंथ अगस्त 1905। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट मुस्लिम्स, ब्रिटिश, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हु वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़ पेपर बंदे मातरम। ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर एंड अरविंदो घोष। करेक्ट ऑप्शन है अरविंदो घोष, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर बंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग वॉज। ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जनाब सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला, हीरो प्रभा मजुमदार एंड नवाब इकबाल। करेक्ट ऑप्शन है नवाब सलीमुल्ला, ही लेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये भी हमने पढ़ा कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्ट हुआ था और उसी ईयर 1905 में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्वदेशी मूवमेंट। वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, एंटी मूवमेंट ऑफ रौलत एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वदेशी मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। ऑप्शंस हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वर द क्रिटिक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड प्लीडेड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। ऑप्शंस हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर एंड बी जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज Who among the following led the Swadeshi movement at Delhi? Options हैं बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाजपत राय, लाला लाजपत राय एंड सैयद हैदर राजा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सैयद हैदर राजा।
इसी के साथ ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के एमसीक्यूज के साथ हम आए थे इसे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी टॉपिक के साथ आएंगे या किसी एमसीक्यू वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।